नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज RFID कार्ड रिचार्ज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आपका RFID कार्ड का रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है खाने की बुकिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए RFID कार्ड का जो रिचार्ज का जो मीडियम है वो बस POS मशीन से ही हो सकता है, आप खुद से रिचार्ज नहीं कर सकते। आपको मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ऐप मैंने ओपन किया हुआ है, ये कैंटीन बुकिंग ऐप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है सेल्फ रिचार्ज का, मतलब आप खुद से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं RFID कार्ड को। इसके लिए POS मशीन है, आपके जो कैंटीन वाले जो खाने लेके आते हैं उनके पास POS मशीन रहता है, वो बस POS मशीन के द्वारा ही पॉसिबल है रिचार्ज होना। दोस्तों वो क्या करते हैं, आपका ATM कार्ड को स्वाइप करते हैं POS मशीन में, फिर जितने का रिचार्ज करना है उतने का अमाउंट डालते हैं, फिर आपको पिन नंबर डालने को देते हैं। उसके बाद पिन नंबर डालने के बाद जितने अमाउंट का रिचार्ज होना है उतने अमाउंट का रिचार्ज हो जाता है आपका RFID कार्ड, और बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। तो बस यही एक मीडियम है रिचार्ज का, और कोई दूसरा मीडियम नहीं है। अगर सेल्फ रिचार्ज का कोई मीडियम ऐसा आता है फ्यूचर में तो आपको ऐप में मिल जाएगा वो, क्या मैं एक वीडियो बना दूँगा उसके लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।